नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे। अलीगढ़ की थाना क्वारसी पुलिस टीम ने शादी कर घरों को लूटने वाली लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन द्वारा शादी कर लूटी गई नकदी आभूषण सहित 3 महिला सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला पुरुष 3 जोड़े आपस में पति पत्नी है, जो कि पैसे लेकर शादी कराया करते थे। पुलिस ने बताया कि महिलाएं धर्म से मुस्लिम हैं, जो कि शादी कराने वाले परिवारों को खुद को हिंदू बताती थी और फिर 80,000 रुपए वसूल कर शादियां कर देती थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी दुल्हन ने अब तक 10 से 12 जगह शादी कर उन परिवारों को लूटना कबूल किया है। फिलहाल बीते दिनों अलीगढ़ में एक साथ 2 परिवारों को लूटने के बाद इस गैंग को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया गया है। आज क्वारसी पुलिस ने इस गैंग का खुलासा किया है। स्वागत कॉलोनी सुरेंद्रनगर शादी क्या नाम है मेरी 16 तारीख को हुई थी और क्या नाम है 17 तारीख को हैगा बाजार के बहाने ये भाग गई वहाँ से और क्या नाम है फिर हमने बबलू को खबर दी। बबलू को बुलाया तो बबलू कह रहा है कि हमने तो 80,000 रुपये लेने के हमारा कोई मतलब नहीं, हमें तो बस लड़की देना आता है और ये क्या नाम है का मुसलमान लड़की। हाँ जी, अब किस तरह की घटना की है तुम्हारी पत्नी ने? और कह रहे हैं बस बाजार के बहाने गई है, बाजार ले जाने के बहाने भागी है। बाजार ले हमसे बोले बाजार जाना सवेरे, मैं सवेरे बाजार कहाँ खुल जाएगा, फिर 10:30 बजे करीब गए हैं। सर तुम्हारे कितने रुपए में शादी कराई थी? बबलू नाम है उसका। कितने पैसे लिए? 80,000 रुपये। और बहू क्या क्या सामान ले गई? ये क्या नाम है कोई 3-4 लाख रुपये का सामान। ज्वेलरी ले गई? हाँ ज्वेलरी लिया और 7,000 रुपये नकद थे। शादी कराई थी उसका नाम क्या बताया था? बबलू नाम। जिससे शादी कराई थी? पूजा। बाद में क्या निकला? क्या निकला बाद का नाम अभी मुझे नहीं पता। खोला मुस्लिम है सर लड़की? हाँ जी सर। अब क्या चाहते हो? अब यही चाहते हैं जो कार्रवाई ये करते हैं सर। पूरा गैंग था क्या तुम्हारे साथ? ठगी की है? हाँ ठगी का है सर मामला। हाँ जी पूरा गैंग का है ये और ठगी करी गई है सर। 14 तारीख को ऐसा हुआ था कि जो बबलू और जो वो हैं पुष्पा देवी वो इस समय जेल में, तो उन्होंने लड़की दिखाने को मैं खुर्जा बुलाया था चामुंडा देवी मंदिर दशहरा पे। वहाँ पे आके लड़की दिखाई, लड़की दिखाने के बाद तुरंत ही उन्होंने शादी करवा दी। बोले हमने की लड़की का घर देखना है, तो वही लड़की का घर आप शादी के बाद देख लीजिएगा कल। तो लड़की विदा होकर घर आई है, घर आके 2 दिन घर पर रही है, फिर 3rd दिन बोली है वो कि हमारे यहाँ रिवाज है 1 दिन घर जाने का। तो उनके भैया भाभी आ रहे थे सुबह, वो नहीं आए सुबह उन्हें बुलाने विदा करने के लिए। वो आए हैं फिर रात को 10 बजे उनसे मम्मी पापा ने खूब मना करे कि भी रात को नहीं भेजेंगे, मगर वो किसी ना किसी तरह जबरदस्ती करके ले गए उसे। अगले दिन सुबह जब उनसे कही है कि मतलब हम फ़ोन किया है, तो उन्होंने कि हमारे भैया आ रहे हैं प्रदीप जो अंदर हैं, प्रदीप ने यूँ कही है कि मैं आ रहा हूँ मेरे संग आप अली वहाँ खुर्जा जाना और विदा करा के ले जाना नेहा को। उसके बाद आधे घंटा उनका मोबाइल बंद, सबके मोबाइल बंद, इनकी भाभी का, भैया का, एक और भाई है उसका, सबके मोबाइल बंद। फिर पता चला है कि इसकी शादी हुई थी 16 तारीख को। ये हमारी गली के पीछे रहते हैं बिल्कुल। अच्छा, इसकी शादी हुई है 16 तारीख को। 16 तारीख को ये मार्केट ले गया अपनी पत्नी को, वहाँ से वो रास्ते में भाग गई अचल पैसे। फिर जब हमने ढूंढा उन दोनों को, सबके मोबाइल स्विच ऑफ, क्योंकि सब एक ही थे बिचौलिया वगैरह और भाई बहन भी सब एक ही थे। उस इसकी को मौसी की लड़की बताई गई थी कि ये मतलब मेरी वाइफ की जो इसकी वाइफ थी वो मौसी की लड़की है। तुम लड़की देखने गए तो लड़की हाँ। देखने के बाद फौरन शादी कर ली तब शक हाँ। नहीं हुआ तुम्हें? नहीं शक हुआ था उससे कही भी थी, मगर वहाँ पे जो बिचौलिए थे उन्होंने कही थी कि हमारी जिम्मेदारी है पूरी। तब तुम्हारा कुछ सामान भी लेगी दोनों का? हाँ ज्वेलरी थी 80,000 रुपये लिए गए थे हमसे पहले। आप किसने लिए? किसने लिए ये? ये बबलू जो इस समय है पुष्पा देवी और बबलू इन्होंने के लिए थे। हाँ और दोनों के यहाँ से सामान जेवरात लिए? हाँ दोनों के यहाँ से। आपको ये जानकारी कैसे हुई कि ये लोग इस तरह का कहेंगे? इस तरह कहें जब क्या कहते हैं जब ये भाग गए हैं तो बबलू और पुष्पा को बुलाया गया, फिर उन्होंने हमें एक मालवीय पुस्तकालय की जगह बताई थी कि वहाँ पर ये वहाँ सारी जानकारी मतलब प्रदीप का वहाँ उठना बैठना काफ़ी था 1.5-2 साल से। हम फिर अगले दिन मालवीय पुस्तकालय गए, वहाँ हमें जानकारी ली है, तो वहाँ हमें मालूम पड़ा कि ऐसी फ्रॉड शादी कराता है और लड़के को भगाता है। अब कितने लोग पकड़े मालूम है तुम्हें? ये 7 और 2 9 जने पकड़े गए हैं, 7 रात पकड़े गए हैं। लेडीज हैं इसमें 4। तीनों का आपस में रिश्तेदार है क्या? हाँ सब मौसी के और भाई बहन सब ऐसे बने हुए हैं ये, पर वो दोनों लड़कियां दोनों मोमडन थी। वो क्या उनका क्या रोल था जो जिनसे शादी हुई थी हमारी? वो मुस्लिम थी? हाँ दोनों मुस्लिम हैं।
2024 को थाना क्वारसी क्षेत्र में हमें एक सूचना मिली थी कि एक नवविवाहित दुल्हन अपने ही घर से कुछ जेवरात और आभूषण लेके और फरार हो गई है। तो तुरंत ही SHO क्वारसी ने कार्रवाई करते हुए उस पर FIR दर्ज की और हमने एक स्पेशल टीम गठित की थी, जिसके तहत हमने दो लोग तो अगले ही दिन गिरफ्तार कर जेल भेजे थे। और कल इस कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें कि 7 लोगों का एक गैंग जो कि अंतर्राज्यीय अंतरजनपदीय तौर पर सक्रिय था और वो इसी तरह के जो अविवाहित पुरुष होते थे उनको चिन्हित करते थे, उन्हें निशाना बनाते थे और उनसे विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे। रिश्तेदारों कभी रिश्तेदार बनते थे, कभी बिचौलिया बनते थे और जहां नकदी और जहां आभूषण जहां जेवरात जो मिल जाए वो सब लेके और फरार हो जाते थे। ये अलग अलग नामों का अलग अलग फर्जी आधार कार्ड पहचान पत्र और अपने मोबाइल नंबर बार बार बदल के इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देते थे। और कल क्वारसी पुलिस ने अथक प्रयासों और अपनी सक्रियता की वजह से पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है और काफ़ी इसमें रिकवर। जी जो इंटरोगेशन में जो हमें अभी तथ्य सामना है उसमें इन्होंने इस तरह की 10 से 12 घटनाएं कम से कम की हैं, जिसके लिंक राजस्थान तक मेरठ और हापुड़ इत्यादि अनेक जनपद एवं दूसरे राज्यों तक भी इनके लिंक फैले हुए हैं। हालांकि ये सब अभी जांच का विषय है और ये सब वेरीफाई अभी किया जाना बाकी है। और रिकवरी की अगर बात की जाए तो इनसे कई अदद पीली धातु की तरह दिखने वाले गले की चेन, अंगूठियां, बिचियां, झुमकियां और शादी में प्रयुक्त होने वाला मंगलसूत्र इत्यादि एवं नकद और कई अदद मोबाइल और फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए। आरोपी है कि 80,000 रुपए लेकर इनकी शादी की गई थी, बस ये बिचौलियों के बीच में इनका अरेंजमेंट रहता था और ये कुछ पैसे दे के बिचौलियाँ दोनों ही तरफ से पैसे ले के और इनकी शादी करवाते थे और ये पूरे ही गैंग मेंबर उस शादी में जो भी उन्हें जेवरात आभूषण या जो भी इत्यादि प्राप्त होते थे वो सब ही का बंटवारा आपस में करके और अपना इसी तरह से फ्रॉड को जारी छुपाने की भी बात की गई है कुछ। क्या चीज़? जब शादी हुई थी नाम पूजा बताया था। हाँ हाँ, ये जो मैंने जैसा आपको बताया कि अनेक अपने आधार कार्ड पहचान पत्र बदल के अनेक नामों से अलग अलग मोबाइल नंबरों से ये लोग अपनी पहचान बनाते थे और एवं छुपाते थे और एक नई शादी और एक नई पहचान इनकी हमेशा सामने आती थी। नहीं, ये तो अभी जांच का विषय, ये अभी हम लोग पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर पाए हैं। जैसे कि मैंने इंटरोगेशन में बताया कि 10 से 12 टोटल मिला के शादियां करने की बात तो इन्होंने अभी तक कबूली है, हालांकि इसे भी हमें वेरीफाई करवाना होगा और ये सभी विवेचना में आगे प्रकाश में आएगा और आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दोधपुर इलाके में कर्ज के चलते 35 वर्षीय युवक ने जान दे दी। घटना थाना सिविल लाइन इलाके के मेडिकल रोड स्थित फ्लैट की है। युवक ने 2 शादी की थी, वहीं युवक की मौत के बाद दूसरी पत्नी को पुलिस ने थाने में बैठा लिया है। गुरुवार को थाना सिविल लाइन पर सूचना प्राप्त हुई कि दोधपुर के रहने वाले मोहसिन ब्रोड डेड अवस्था में JN मेडिकल कॉलेज लाया गया है। मृतक मोहसिन की पत्नी दूसरी साइना ने बताया कि उसके पति ने भारी कर्ज के चलते पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। मृतक को पंखे से उतार कर पड़ोसियों की मदद से साइना JN मेडिकल कॉलेज लेकर गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके शव को मोर्चे में रखवा दिया गया है। मामले में पुलिस अग्रिम विधिक कार्यवाही कर रही है। मृतक के चाचा नौशाद ने बताया कि मौत कैसे हुई है इस बारे में जानकारी नहीं है, मेडिकल में ही डेड बॉडी मिली है। वहीं भतीजे मोहसिन की मौत की सूचना दूसरी पत्नी साइना ने दी थी। नौशाद ने बताया कि मोहसिन ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी फराहा तुर्कमान गेट पर रहती है, दूसरी शादी 4 साल पहले साइना से की थी। नौशाद ने बताया कि थाना सिविल लाइन पुलिस को तहरीर दे दी है और दूसरी पत्नी को थाने में पूछताछ के लिए बैठा लिया है। घटना को लेकर पुलिस अग्रिम विधिक कार्यवाही कर रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। नौशाद जी, जो मृत्यु हुई है इनका क्या नाम है? मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन, किस तरीके से मृत्यु हुई है? भैया हमें खुद ना मालूम किस तरीके से हुई, हमें तो मर हुआ मिला मेडिकल में। जब मेडिकल में डेड बॉडी मिली आपको, डेड बॉडी उसकी बीवी ने दी थी हमें सूचना। तो कहाँ रहते थे? जोधपुर पर रहती थी। बेबी का क्या नाम है? साइना। बच्चे कितने हैं? एक बेटा। तो इन्होंने 2 शादियां की थी? 2 शादी। तो पहली वाली बीवी कहाँ रहती है इनकी? पहली वाली बीवी तुर्कमान गेट रहती। क्या नाम है उनका? उसका नाम है फराह। तो उनके पास भी कुछ बच्चे हैं? उनके पास 3 है। 3 बच्चे हैं, कितने बड़े हैं बच्चे? बच्चा एक है, 10 साल की बच्ची है, उससे छोटा फिर एक और बच्ची है 7 साल की, फिर एक लड़का है। अब जो शादी हुई है वो कितने साल हो गए? 4 साल के करीब हो गए। 4 साल हो गए, 4 साल से ये नई दूसरी शादी की है, उनके साथ रह रहे हैं? उनके साथ। तो आपको सूचना मिली थी कि खत्म हो गए हैं, तो आप मेडिकल गए हैं तो इन्हें मृतक पाया गया? मृतक पाया। इसकी आपने थाने में कोई FIR वगैरह कुछ करी है? अभी FIR कर तो दिया है, वो भी बिठा लिया उसे।
अंदर थाने में ही हो, या आपको किसी पर शक हो कि इनकी मृत्यु की गई है या सुसाइड की है कुछ? अभी तो कोई जांच में ही पता लगेगा, ऐसा तो कोई पता चला ना हमें अभी कुछ नहीं पता। हाँ, जांच पे इंतजार कर रहे हैं, जांच का इंतजार कर रहे हैं अभी। जांच देखो, तीन भाई हैं एक बहन। आप कौन हो? मैं चाचा हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।